एक लड़की की तीन बातें अगर आपने गांठ में बांध ली तो सात पीढ़ियों तक गरीबी नहीं आएगी। अगर इन तीन बातों को समझ लिया तो आप भी जीवन भर सुखी रहोगे और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी। मित्रों, कहते हैं गरीबी तेहेधारियों के लिए अपमानकारी दुख है। बिना धन के इस जीवन का कोई औचित्य नहीं है। धन मनुष्य की जरूरत है। हमें अपने जीवन को चलाने के लिए धन संचित करने की दिशा में काम करना चाहिए, मगर साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमें कभी चिंताग्रस्त नहीं रहना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम सुखी कैसे रह सकते हैं। तो मित्रों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन में प्रेरणा देने वाली है। यदि आपने आज की कहानी को ध्यानपूर्वक सुन लिया और इस कहानी में बताई गई बातों को ठीक से समझ लिया तो आप कभी दुखी नहीं रहोगे। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था। उस सेठ के घर में ईश्वर की कृपा से खूब धन के भंडार भरे हुए थे। करोड़ों का व्यापार चलता था, सैकड़ों नौकर चाकर काम करते थे। संपत्ति तो इतनी थी जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। अपने नगर का वो सबसे अमीर सेठ था। शहर में उसका एक आलीशान बंगला था। उसकी जिंदगी में किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं था। राजाओं जैसी शानो शौकत के साथ वो अपनी परिवार के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा था। सेठ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आनंद से जी रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर कहते हैं समय किस करवट बैठ जाए किसी को कुछ पता नहीं होता। पलक झपकते ही आदमी दुखों से घिर जाता है, पल मात्र में वो सुखों से संपन्न भी हो जाता है। दुखों की तो ऐसी बात है कि सब कुछ होते हुए भी मनुष्य के जीवन में दुख पीछा नहीं छोड़ते। दोस्तों, सेठ की जिंदगी में एक दिन ऐसा आता है कि सेठ का जीवन दुखों से भर जाता है। अचानक से उसके मरने की स्थिति बन जाती है। दरअसल होता यह है कि सेठ एक दिन गहरी नींद में सो रहा था और नींद में वो एक अजीब सपना देखता है। सपने में उसने देखा कि सेठ की मृत्यु हो चुकी है। उसके परिवार वाली, पत्नी, बच्चे सब उसकी लाश पर बिलख रहे थे। सेठ जब यह सपना देखता है तो यह सपना उसे बहुत परेशान करता है। जब उसकी आंख खुलती है तो फिर वो रात भर सो नहीं पाता है, एक अजीब सी चिंता में पड़ा रहता है। अब तो सवेरा होते ही सेठ अपने मुनीम को अपने पास बुलाता है और बड़े ही उदास मन से सेठ अपने मुनीम से कहता है कि हे मुनीम जी, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप हमारे यहां बरसों से हमारे धन का लेखा जोखा देख रहे हैं। आज मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। मुनीम कहता है, कहिए सेठ जी, आपको मुझसे क्या जानना है? तो सेठ बोला, हे मुनीम जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी कुल संपत्ति कितनी है, अर्थात मेरे पास सब कितना धन है? मुझे यह तो पता है कि मेरे पास बहुत सारा धन है, पर मैंने कभी इसकी गणना नहीं की है। आज मुझे इसकी बहुत जरूरत है। मैं अपनी धन दौलत के बारे में आपसे जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक कितना धन कमाया है। सेठ की बात सुनकर मुनीम भी आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर सेठ को यह कैसी सनक चढ़ी है जो अपनी संपत्ति के बारे में पूछ रहा है। अब तक तो कभी पूछा नहीं। सेठ ने कहा, मुनीम जी, मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूं उसका कारण भी मैं आपको बता दूंगा। पहले आप मुझको ये बताइए कि मेरे पास आज तक सब कितना धन है। मुनीम कहने लगा, सेठ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपके पास तो इतना धन है जिसकी गणना कर पाना बहुत मुश्किल है। यदि मैं इसकी गिनती करूं तो गिनते गिनते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। पूरे शहर में सबसे बड़े धनी सेठ तो आप ही हैं। आपके पास अकूत धन के भंडार भरे हैं। सेठ ने पूछा, मुनीम जी, फिर भी आप मुझे बताने की कृपा करें कि मेरे पास अब तक कितना धन हो गया है। तुम्हें इस बात का जरूर अनुमान होगा कि मेरे पास कितना धन है, क्योंकि तुम्हें मेरे यहां मुनीम का काम करते हुए कई वर्षें बीत गई हैं। मुनीम कहने लगा, सेठ जी, पता तो चल जाएगा कि आपके पास कितनी धन दौलत है, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ नौकर चाकरों की सहायता लेनी पड़ेगी। सेठ ने कहा, चाहे जो भी करो, लेकिन मुझे तुम इस बात को सही सही गणना करके जरूर बताओ
कि मेरे पास कितनी दौलत है और यदि आज मैं काम करना छोड़ दूं तो मैं कब तक बैठकर खा सकता हूं। मुनीम ने कहा, सेठ जी आप मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं आपको गणना करके बता दूंगा कि आपकी कुल संपत्ति कितनी है और आप उसे कब तक उपभोग कर सकते हैं। मित्रों, इस प्रकार वो सेठ का मुनीम अपने साथ कुछ नौकरों को लगाकर सेठ के धन की गिनती करता है। गिनती करते करते उसे एक महीने का समय हो जाता है, फिर भी सेठ की पूरी दौलत की वो गिनती नहीं कर पाया। एक महीने के बाद सेठ अपने मुनीम को बुलाकर फिर पूछता है, मुनीम जी क्या आपने मेरे धन की गणना की, मैं कब तक उसे बैठकर खा सकता हूं, यदि आज काम करना छोड़ दूं तो वो कब तक चलेगी। तब मुनीम कहता है, सेठ हमने और कुछ नौकरों ने मिलकर जब आपके धन की गणना की तो पता चला कि आपके पास इतना धन है कि आप और आपका परिवार और आपके बच्चे पूरी जिंदगी बैठकर खाओगे, तब कहीं आपका धन समाप्त हो पाएगा। मुनीम बोला है, सेठ जी यदि आप और आपके बच्चे जिंदगी में कभी भी काम ना करें तो भी वे आपके धन से पूरी जिंदगी बैठकर खा सकते हैं। जब सेठ मुनीम की इन बातों को सुनता है तो उसे बड़ी खुशी होती है। सेठ सोचता है कि कम से कम मैंने इतना तो धन जोड़ ही लिया है कि मेरे बच्चे भी सुखपूर्वक रह सकते हैं। यह सोचकर वो सेठ बड़ा खुश होता है। सज्जनों, सेठ खुश तो होता है लेकिन वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं रुकती है, क्योंकि मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि उसके पास चाहे त्रिलोक की संपत्ति हो, संसार की खुशियां हो, फिर भी उसकी इच्छाएं कभी नहीं भरती। जितना धन उसे मिलता है उतना ही उसके अंदर असंतोष बढ़ जाता है। मनुष्य के दुखी रहने का एक कारण यह भी है, इसीलिए तो कहते हैं गरीबों के पास धन नहीं होता है तो भी वो सुखी रह लेते हैं और अमीरों के पास अपार धन होने के बाद भी वो दुखी रहता है। मित्रों, सेठ को यह पता चल गया था कि यदि वो आज ही अपने काम को छोड़ देता है तो उसने अब तक इतनी दौलत इकट्ठी कर ली है कि वो और उसके बच्चे बिना काम किए ही अपनी जिंदगी आराम से काट सकते हैं। पर देखिए दोस्तों, मनुष्य की असीमित इच्छाएं और तृष्णा उसे चैन से नहीं बैठने देती। सेठ ने सोचा कि मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी तो इस धन से आराम से कट जाएगी, लेकिन मेरे बच्चों के जो बच्चे होंगे वो क्या खाएंगे। जब ये दौलत खत्म हो जाएगी तो मेरे बच्चों के जो बच्चे होंगे उनकी जिंदगी में तो फिर बहुत बड़ा दुख आ जाएगा। मित्रों, सेठ जब अपने बच्चों के बारे में सोचता है तो उसकी खुशी गायब हो जाती है और उसे चिंता को लेकर वो दुखी होने लगता है। सेठ के मन में ये चिंता बैठ जाती है कि मेरे पौत्र प्रपौत्र क्या खाएंगे। उसने अपने मुनीम से फिर पूछा, मुनीम जी इस धन से मेरे बच्चों की जिंदगी तो आराम से कट जाएगी, क्या मेरे पौत्रों के लिए इसमें से कुछ धन बचेगा या नहीं, क्या इस धन में से मेरे पौत्र प्रपौत्र नहीं खा पाएंगे। सेठ को इस चिंता में देखकर मुनीम कहता है, सेठ जी क्यों दुखी होते हो, आपके धन से आपकी जिंदगी आराम से कट जाएगी, आपके बच्चों की भी जिंदगी आराम से कट जाएगी, ये क्या कम है। पौत्र प्रपौत्रों की अभी से चिंता क्यों करते हो, जब आपके बच्चों के बच्चे होंगे तब देखा जाएगा, कहीं ना कहीं से वो भी अपने लिए धन जुटा ही लेंगे। मुनीम की इस बात को सुनकर सेठ बिगड़ता हुआ बोला, मुनीम जी मैं जो पूछता हूं आप उसका उत्तर दो, क्या मेरी दौलत मेरे बच्चों के जो बच्चे होंगे उनका पालन पोषण नहीं कर पाएगी। मुनीम ने कहा, नहीं सेठ जी, आपकी दौलत आप और आपके बच्चे बैठकर खा सकते हैं, पर आपके बच्चों के जो बच्चे होंगे उनके लिए नहीं बचेगी। मुनीम की यह बात सुनते ही सेठ को भारी दुख होता है। सेठ कुछ देर पहले अपने और अपने बच्चों को लेकर प्रसन्न हो रहा था, वही सेठ अब अपने बच्चों के बच्चों को बारे में सोचकर चिंता में पड़ गया। जो सेठ पूरे शहर का सबसे धनी सेठ था वो अपने पौत्रों के भविष्य के बारे में सोचकर अत्यंत दुखी हो जाता है। वो अमीर सेठ अपने आप को गरीब समझने लगता है। मित्रों, उसकी एक सोच ने सेठ को गरीब बना दिया। इसी चिंता में सेठ बीमार पड़ जाता है। सज्जनों, सेठ बूढ़ा तो हो ही चुका था और आप जानते ही हैं
कि बुढ़ापे में अक्सर उसे बीमारियां घेर लेती हैं। अगर उसके मन में किसी बात को लेकर चिंता है तब तो वो और भी अधिक दयनीय स्थिति को प्राप्त होता है। दर्शक बंधु, वो सेठ अपनी तीसरी पीढ़ी को लेकर बीमार पड़ गया। पूरी पूरी रात में इसी चिंता में खोए रहता था कि मेरी तीसरी पीढ़ी क्या खाएगी, उसका क्या होगा, उसका जीवन निर्वाह कैसे होगा, हमारी दौलत तो दो ही पीढ़ियों में खत्म हो जाएगी। कहते हैं मनुष्य की जिंदगी में अधिक बीमारियां तो उसकी चिंता से ही पैदा होती हैं। इसीलिए तो कहते हैं चिंता और चिता एक जैसी होती है। चिता तो मनुष्य को मरने के बाद जलाती है, परंतु चिंता उसे जीते जी जलाकर राख कर देती है। जब सेठ के मन में यह चिंता घर कर जाती है तो सेठ बहुत बीमार पड़ जाता है। सेठ की पत्नी और बेटों ने सेठ को अच्छे से अच्छे वैद्य हकीमों को दिखाया, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन किसी की भी दवाई सेठ को ठीक नहीं कर पाई। सेठ की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जाती है। वैद्य और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। सेठ की जो बीमारी थी उसका डॉक्टर लोग पता नहीं लगा पा रहे थे। अब सेठ को कोई बीमारी होती तो ठीक भी हो जाता, पर सेठ तो अपनी तीसरी पीढ़ी को लेकर चिंतित था। इसका इलाज किसी वैद्य हकीम के पास नहीं था। सेठ के सारे रिश्तेदारों में, सभी मित्रगणों में यह खबर फैल गई थी कि सेठ बहुत गंभीर रूप से बीमार चल रहा है, किसी भी डॉक्टर के उपचार से ठीक नहीं हो रहा है। तो सेठ के सभी रिश्तेदार उसे देखने के लिए आए। एक सेठ का बचपन का मित्र था, सेठ को बीमार सुनकर वो भी देखने के लिए आया। सेठ के मित्र ने कहा, मित्र ऐसा तुम्हें कौन सा रोग हो गया है जो किसी भी डॉक्टर के इलाज से ठीक नहीं हो पा रहा है। सेठ का मित्र बड़ा समझदार था। वो समझ गया कि सेठ को कोई रोग नहीं है बल्कि कोई मानसिक बीमारी है, और मानसिक बीमारी का इलाज कोई साधु संत ही कर सकता है। जो मर्ज मनुष्य के दिमाग में हो उसे तो कोई उपदेशक ही ठीक कर सकता है। सेठ की बीमारी को देखकर उसका मित्र कहने लगा, मित्र मेरे ख्याल से तुम्हें किसी सिद्ध महात्मा के पास जाना चाहिए। एक बार मेरी बात मानकर आप एक महात्मा जी के पास चले जाइए। इस समय हमारे नगर से बाहर एक बहुत ही सिद्ध महात्मा पधारे हुए हैं, एक बार उनके पास भी चले जाओ, हो सकता है वे तुम्हें कोई उपाय बता दे। तब सेठ कहता है, मित्र कोई साधु महात्मा मुझे क्या ठीक कर पाएगा जब बड़े से बड़े वैद्य हकीम भी हार कर चले गए। उसके मित्र ने कहा, देखो साधु महाराज के पास जाने में तुम्हारा कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, केवल तुम्हें उनके पास तक जाना है। वो संत बड़े ही त्यागी हैं, कई प्रकार की जड़ी बूटियों का ज्ञान है और बहुत बड़े तपस्वी भी हैं। अगर वे तुम्हें ठीक नहीं कर पाएंगे तो तुमसे कुछ ले भी तो नहीं रहे हैं। सेठ ने कहा, मित्र वैसे तो मैं साधु महात्माओं के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, अगर तुम ज्यादा ही कह रहे हो तो तुम्हारी बात मान लेता हूं और कल ही मैं उन साधु महाराज से मिलने जाऊंगा। साथियों, इस प्रकार अगले दिन जब सुबह होती है तो सुबह सुबह सेठ ने अपना घोड़ा बग्गी तैयार किया, और अगले दिन की सुबह सेठ अपनी घोड़ा बग्गी में बैठकर नगर से बाहर साधु महाराज के पास मिलने चला गया। जिस समय सेठ साधु के पास पहुंचा उस समय महात्मा जी ईश्वर के ध्यान में मगन थे। सेठ जी ने जब साधु के चेहरा को देखा तो साधु के चेहरे को देखकर सेठ बहुत हैरान हुआ। उसकी हैरानी का कारण था कि मेरे पास इतनी धन दौलत है, इतना रुपया पैसा है, मेरे घर में इतने ऐसो आराम के साधन हैं, फिर भी मैं बहुत अशांति में हूं, और इन संत को देखो इनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी इनके चेहरे पर परम शांति के भाव झलक रहे हैं। यह देखकर वो सेठ बड़ा हैरान होता है। साधु ने देखा कि उनके सम्मुख नगर का सबसे धनी सेठ बड़ी ही दुखी मुद्रा में बैठा हुआ है। महात्मा जी ने पूछा, कहो सेठ जी कैसे आना हुआ, बड़े दुखी मालूम पड़ रहे हो। संत के ये वचन सुनते ही सेठ का गला भर आया और किसी बच्चे की भांति फूट फूट कर रोने लगा। सेठ को अत्यंत दुखी देखकर महात्मा जी ने पूछा, सेठ जी तुम्हें ऐसा क्या दुख है जिसके कारण तुम इतना रो रहे हो। तब दोनों हाथ जोड़कर सेठ कहता है, महाराज वैसे तो भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, पर मेरे जीवन में शांति नहीं है और यही मेरी असाध्य बीमारी है। मैं हर प्रकार का उपचार कराकर देख लिया पर कोई मुझे ठीक नहीं कर पा रहा है। सेठ की बात सुनकर साधु कहते हैं, पुत्र
तुम्हें जो भी दुख है मुझे साफ साफ बताओ, मैं आपके दुख को दूर करने का प्रयास करूंगा। अब तुम मेरे पास आ गए हो तो अब तुम्हें किस बात की चिंता है। संत के ये वचन सुनकर सेठ को कुछ तसल्ली मिलती है। सेठ ने कहा, गुरुदेव ईश्वर की कृपा से मेरे घर में इतनी दौलत है कि मैं बैठकर खाऊं और मेरे बच्चे भी बैठकर खाएं, फिर भी मेरी दौलत पूरे जीवन में समाप्त नहीं होगी। और यही मेरी चिंता का सबसे बड़ा कारण है कि मैं और मेरे बच्चे तो इस धन को बैठकर खा सकते हैं, लेकिन मेरी जो तीसरी पीढ़ी होगी, मेरे बच्चों के जो बच्चे होंगे, वो क्या खाएंगे? उनके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, उनके लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। और मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, पता नहीं कब मौत ले जाए। मैंने अपनी धन की गणना की तो पता चला कि यह धन मेरी दो पीढ़ियों के लिए ही हो पाएगा, मेरी तीसरी पीढ़ी क्या करेगी? इसी बात को सोचकर मैं बहुत चिंतित हूं। अब मेरे पास इतना भी जीवन नहीं बचा है कि मैं अपनी तीसरी पीढ़ी के लिए कुछ धन कमा लूं। दर्शक बंधु, वो सेठ कहने लगा, महात्मा जी यदि तुम्हारे पास मेरी इस चिंता का कोई समाधान हो तो मुझे जरूर बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जो मेरी तीसरी पीढ़ी भी आराम से बैठकर खा सके। साधु महाराज जब उस सेठ की ये मूर्खतापूर्ण बातें सुनते हैं तो मन ही मन हंसने लगते हैं। महात्मा जी सोचते हैं कि अजीब बात है, लोग तो आज को खाकर कल की चिंता करते हैं, ये सेठ तो अभी से अपनी तीसरी पीढ़ी की चिंता कर रहा है। ऐसा व्यक्ति मैंने अपने जीवन में आज पहली बार देखा है। महात्मा जी सोचने लगे कि यह सेठ इस शहर का सबसे धनी आदमी है, इसको यह भली भांति पता है कि इसके पास इतनी दौलत है, इसकी दो पीढ़ी आराम से बैठी खा सकती है, फिर भी ये उस बात को लेकर दुखी है जो अभी दुनिया में ही नहीं आए हैं। महात्मा जी ने विचार किया, सेठ व्यर्थ की बात को लेकर चिंतित है, अगर मैं इसे उपदेश देकर समझाऊं तो इसकी समझ में नहीं आएगा, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसकी आंखें खुल जाए। मित्रों थोड़ी देर के बाद साधु महाराज सेठ जी से बोले, सेठ जी तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे तुम्हारी तीसरी पीढ़ी की क्या तुम्हारी सात पीढ़ी भी आराम से बैठकर खा सकती है। महात्मा जी की इतनी बात सुनकर सेठ एकदम से खुशी से भर गया, सेठ का चेहरा कमल की तरह खिल उठा, कहने लगा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? साधु महाराज बोले, हाँ भाई ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। सेठ बोला, गुरुदेव आप जो भी कहेंगे मैं वही करने को तैयार हूं, आपको जो चाहिए मैं वही देने को तैयार हूं, आप कहोगे कि मंदिर बनवा दो तो मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा ही भव्य मंदिर बनवा दूंगा, आप कहोगे कि मेरे नाम से कोई धर्मशाला खोल दो तो मैं वो भी बनवा दूंगा, अगर आपको धन दौलत की आवश्यकता हो तो मैं आपके चरणों में धन का ढेर लगा दूंगा, लेकिन आप कोई ऐसी व्यवस्था कर दीजिए जिससे मेरी सात पीढ़ी आराम से बैठकर खा सके, उन्हें किसी भी बात की कोई दुख तकलीफ ना हो। साधु महाराज कहने लगे, सेठ जी तुम्हें यह सब खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे भी कुछ नहीं चाहिए तुमसे, तुम चाहते हो कि तुम्हारी सात पीढ़ी आराम से बैठकर खा सके तो उसके लिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा, अगर तुमने यह काम कर दिया तो तुम्हारी सात पीढ़ियों को धन की कमी नहीं होगी। मित्रों महात्मा जी की बात सुनकर सेठ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। महात्मा जी को सेठ की मर्ज का पता चल चुका था। महात्मा जी सोचने लगे, जैसे कुत्ता गाड़ियों के पीछे दौड़ दौड़ कर अपने आप को थकाता है, उसी तरह सेठ व्यर्थ की बातों को सोच सोच कर अपने आप को बीमार कर रहा है। दोस्तों कुछ लोग व्यर्थ के कामों में अपने दिमाग को चलाते रहते हैं, जिन बातों का जीवन में कोई महत्व नहीं होता उन्हें सोचकर अपना समय खोटा ना करें, और ये बीमारी मनुष्य की सबसे बड़ी है। मित्रों सेठ एकदम से उतावला होता है और कहने लगा, महात्मा जी मुझे अब क्या करना चाहिए, अतिशीघ्र मुझे बताने की कृपा करें। संत कहने लगे, सेठ जी तुम्हारे नगर के बाहर एक बूढ़ी माँ झोपड़ी बनाकर रहती है, कल सुबह तुम्हें उन बूढ़ी अम्मा के झोपड़े पर जाना है और उन्हें एक थाली में भोजन बनाकर ले जाना है, बस ये छोटा सा काम तुम कर देना, मैं तुम्हारी सात पीढ़ियों के भरण पोषण की व्यवस्था कर दूंगा,
मित्रों, अब तो सेठ खुशी से पागल हो उठा। जो सेठ कुछ देर पहले खड़ा नहीं हो पा रहा था, वो सेठ अब दौड़ने लगता है। ऐसा लगा जैसे महात्मा जी ने उसे उसके शरीर में प्राण डाल दिए हो। दुखी चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। सेठ जी बहुत ही प्रसन्न होता हुआ उन्होंने साधु महाराज को धन्यवाद किया, साधु महाराज के चरण छुए और उसके बाद वो अपने घर को चला आता है। जब सेठ जी अपने घर पर पहुंचे तो घर पहुंचते ही सेठ का हावभाव देखकर सेठानी भी आश्चर्यचकित रह जाती है। सेठ की पत्नी पूछने लगी कि अजी, सुबह जब आप साधु महाराज से मिलने गए थे तो बड़े दुखी और कमजोर से लग रहे थे, लेकिन उधर से जब तुम आए हो तो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे आपको कुछ हुआ ही नहीं है। उन साधु महाराज ने तुम्हें ऐसी कौन सी दवा पिला दी, ऐसा क्या खिला दिया जो आप बिल्कुल ठीक हो गए हो? पत्नी की यह बात सुनकर सेठ बोला, प्रिय, महात्मा जी ने मुझे क्या खिला दिया है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले तुम नहा धोकर अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन तैयार करो। सेठ की पत्नी ने पूछा, अजी क्या बात है, क्या कोई मेहमान आने वाला है? तब सेठ कहता है, प्रिय, अपने घर कोई मेहमान तो नहीं आने वाला है, बल्कि ये भोजन मुझे किसी को लेकर जाना है। मित्रों, इस प्रकार सेठानी जल्दी जल्दी स्वादिष्ट पकवान बनाती है। सेठ उन भोजनों को सोने की थाली में सजाता है और जैसा कि महात्मा जी ने कहा था कि उस बूढ़ी माँ के पास भोजन लेकर जाना है, तो सेठ फौरन बूढ़ी माँ को भोजन लेकर चल दिया। सेठ ये सोचता जा रहा था कि अगर वो बूढ़ी माँ मेरे घर का भोजन खाएगी तो महात्मा जी मुझे मेरी सात पीढ़ियों को बैठकर खाने का उपाय बता देंगे, इस प्रकार मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। सेठ जी जब भोजन की थाली लेकर बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी पर पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि एक 10-12 साल की लड़की झोपड़ी के बाहर झाड़ू लगा रही थी। सेठ ने उस लड़की से पूछा, बेटी क्या यहां कोई बूढ़ी मां रहती है? मुझे उनसे अभी मिलना है, क्या तुम मुझे उनसे मिला सकती हो? तब लड़की पूछने लगी कि आप कौन हैं और क्या काम है तुम्हें बूढ़ी मां से, पहले आप अपना परिचय दीजिए। सेठ कहने लगा, बेटी लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं कि मैं कौन हूं। बेटी, मैं इस नगर का बहुत अमीर सेठ हूं, मुझसे ज्यादा धनवान इस पूरे शहर में कोई नहीं है। तब लड़की कहती है, अच्छा सेठ जी आप बैठिए, मैं आपके लिए जलपान लेती है, मैं आपके लिए जलपान कराती हूं। तब सेठ बोला, बेटी मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं कुछ देर यहां बैठकर जलपान कर सकूं, मुझे जल्दी जल्दी अम्मा से मिला दो, फिर मुझे अपना व्यापार देखना है। तब लड़की कहती है, सेठ जी इस बुढ़ापे में इतनी जल्दी किस बात की है, मां से मिलना है तो आपको कुछ देर तो इंतजार करना ही पड़ेगा। तब सेठ पूछता है, क्यों बेटी, क्या बूढ़ी अम्मा इस झोपड़ी में नहीं है, क्या वो कहीं बाहर घूमने गई है? लड़की कहती है, सेठ जी अम्मा जी तो इसी झोपड़ी में है, मगर वो इस समय बहुत ही जरूरी काम कर रही है, इस समय वो आपसे नहीं मिल सकती, कृपया थोड़ा समय दीजिए और कुछ देर यहां ठहर कर उनका इंतजार कीजिए। तब सेठ पूछता है, बेटी अम्मा जी ऐसा क्या काम कर रही है जो भी इस समय मुझसे नहीं मिल सकती? तब लड़की ने बताया कि इस समय मेरी माँ भगवान के ध्यान में बैठी है और वो इस समय अपना ध्यान भंग नहीं कर सकती। तब सेठ कहता है, बेटी तुम एक बार अम्मा जी से जाकर कहो कि तुमसे मिलने इस शहर का सबसे धनी सेठ आया है। सेठ ने यह बात बड़े ही गर्व के साथ कही थी, क्योंकि सेठ को लगता था कि मैं नगर का सबसे अमीर सेठ हूं, सैकड़ों लोग मुझसे मिलने के लिए रोज तरसते रहते हैं, जब बूढ़ी मां मेरा नाम सुनेगी तो दौड़ी दौड़ी मेरे पास चली आएगी। सेठ का यह गर्व लड़की ने यह कहकर मिटा दिया कि सेठ जी आपका बार बार अम्मा जी से मिलने के लिए आग्रह करना व्यर्थ है, आप तो एक मामूली नगर के सेठ हो। मेरी अम्मा ने कहा है, चाहे कोई राजा भी आ जाए फिर भी मुझे भगवान के भजन के बीच में से मत उठाना। इसीलिए सेठ जी अगर तुम्हें अम्मा जी से मिलना है तो उसके लिए तुम्हें बैठकर इंतजार करना पड़ेगा।
मित्रों सेठ के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए सेठ जी अम्मा की कुटिया के बाहर बैठ गए और उनकी प्रतीक्षा करने लगे। इस बात से सेठ को बड़ा बुरा लगा। सेठ के मन में यह बात थी कि जिसके दरवाजे पर हजारों लोग मिलने के लिए आते हैं और उस सेठ को एक गरीब बुढ़िया से मिलने के लिए उसके द्वार पर बैठकर इंतजार करना पड़ेगा। सेठ के मन में बूढ़ी मां के लिए बड़ा ही रोष था, किंतु उन महात्मा जी की बात उसे याद हो आई कि अगर मैं बुढ़िया से नहीं मिला तो महात्मा जी मुझे सात पीढ़ियों के भरण पोषण का उपाय नहीं बताएंगे। खैर कोई बात नहीं, थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूं। मित्रों इस प्रकार सेठ को बूढ़ी मां की झोपड़ी के बाहर बैठे हुए धीरे धीरे चार घंटे बीत जाते हैं, लेकिन अम्मा का भजन अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। आखिरकार सेठ परेशान हो जाता है और वो उस लड़की से कहता है, बेटी अब तो समय बहुत बीत चुका है, अम्मा जी का भजन अभी समाप्त नहीं हुआ क्या? जरा देखो तो बूढ़ी अम्मा इस समय क्या कर रही हैं? अगर वो आ जाती हैं तो मैं उनसे मिलकर चला जाता। फिर सेठ ने पूछा, बेटी तुम्हारी अम्मा कितने समय तक भगवान का भजन करती है? लड़की कहती है, सेठ जी मेरी अम्मा कितने समय तक भगवान का भजन करती है ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मेरी अम्मा घड़ी देखकर भगवान का भजन नहीं करती है। मेरी मां के भजन का कोई समय नहीं है, मेरी अम्मा का जब तक भजन में मन लगता है तब तक भजन करती है। कभी तो उनका भजन जल्दी समाप्त हो जाता है और कभी कभी वे पूरे दिन भजन करने में बैठी रहती है, इसलिए मैं आपको पक्का नहीं बता सकती कि माँ जी भजन से कब उठकर आएंगी। मित्रों ये सुनकर सेठ और भी अधिक परेशान होने लगता है, सोचता है कि मैं पूरे दिन यहां बैठकर अम्मा जी का इंतजार नहीं कर सकता, अगर मैं पूरे दिन यहीं बैठा रहूंगा तब तो मेरा काम धंधा सारा चौपट हो जाएगा। सेठ जी को उन महात्मा जी पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। महात्मा जी ने मुझे कहां इस बुढ़िया के चक्कर में डाल दिया है, इस बूढ़ी अम्मा के चक्कर में मेरा सारा काम धंधा चौपट हो रहा है। लड़की कहने लगी, सेठ जी अगर आपको ज्यादा ही जल्दी है तो आप अभी चले जाइए, फिर किसी दिन आ जाना, उनको भजन के बीच में से मैं उन्हें उठाकर नहीं ला सकती। मित्रों लड़की की ऐसी बातें सुनकर सेठ बड़ी दुविधा में पड़ गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं यहां बैठकर इंतजार करता हूं तो मेरा व्यापार चौपट हो रहा है, अगर मैं यहां से चला जाता हूं तो फिर इस भोजन की थाली को मैं अम्मा जी को कैसे दे पाऊंगा, और महात्मा जी के बताए अनुसार यदि मैं ये भोजन की थाली उस बूढ़ी मां को नहीं देता हूं तो फिर महात्मा जी मेरी सात पीढ़ियों को बैठकर खाने का उपाय नहीं बताएंगे। आखिरकार सेठ इस नतीजे पर पहुंचा, उसने सोचा कि मैं ये भोजन की थाली इसी लड़की को दिए देता हूं, जब बूढ़ी अम्मा का भजन पूरा हो जाएगा तो वे भोजन कर लेंगी, ऐसा करने से मेरे काम का भी नुकसान नहीं होगा और जो काम उस साधु जी ने मुझे बताया है वो भी पूरा हो जाएगा। यह सोचकर सेठ जी उस बच्ची से बोले, बेटी मैं सोने की थाली में अम्मा जी के लिए भोजन लाया हूं, बेटी तुम इस थाली को ले लो, जब अम्मा जी भजन से उठ जाए तो तुम उन्हें यह थाली दे देना और कहना कि इस थाली को नगर का जो सबसे धनी सेठ है वो देकर गया है। मित्रों वो लड़की जब यह सुनती है तो वो कहने लगती है, सेठ जी माफ करना, मैं आपसे ये भोजन का थाल नहीं ले सकती। लड़की का स्पष्ट इनकार सुनकर सेठ बड़े आश्चर्य से लड़की से पूछता है, बेटी ऐसा क्या है इस भोजन में जो तुम नहीं ले सकती? लड़की ने कहा, सेठ जी भोजन तो आपका ठीक है, कोई कमी नहीं है, परंतु मैं आपके घर का भोजन इसलिए नहीं लेना चाहती क्योंकि आपके आने से पहले एक सज्जन हमारे लिए आज का भोजन दे गए हैं, और हमारा और हमारी अम्मा का ये नियम है कि जब कोई एक बार हमें भोजन दे जाता है फिर हम दोबारा भोजन नहीं लेते हैं। सेठ जी बड़े आश्चर्य से पूछते हैं, बेटी ऐसा क्या था उस भोजन में जो तुम मेरे घर से आया हुआ भोजन ये स्वादिष्ट भोजन ठुकरा रही हो? जवाब दिया, नहीं सेठ जी ऐसी कोई बात नहीं है, भोजन तो उनका साधारण सा था, एक केले के पत्ते में रखकर दाल भात दे गए थे, अब हमारे लिए आज का भोजन पर्याप्त हो चुका है इसलिए हम आपका भोजन नहीं लेंगे। लड़की की बात सुनकर सेठ सोचने लगता है, ये लड़की पागल है, इसे पता नहीं है कि सोने की थाली और केले के पत्ते में कितना अंतर होता है, इसे ये भी पता नहीं है कि एक अमीर इंसान के घर भोजन में और एक गरीब के घर भोजन में कितना फर्क होता है। सेठ बोला, बेटी तुम उस गरीब के घर से आया हुआ भोजन रहने दो, उसे बाहर फेंक दो, क्योंकि दाल भात को तो तुम रोजाना ही खाती रहती हो।
आज तुम हमारे घर का स्वादिष्ट भोजन खाकर देखो, बड़ा आनंद आएगा। सेठ की बात का जवाब देते हुए लड़की बोली, सेठ जी, मैं जानती हूं कि आपके घर का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होता है, परंतु हम लोग कभी भोजन स्वाद के लिए नहीं करते हैं, बल्कि हम भोजन करते हैं जीवित रहने के लिए। हम भोजन में कभी अंतर नहीं देखते। परमात्मा जैसा भी रूखा सूखा देता है, हम उसी को स्वादिष्ट मानते हैं। दूसरी बात, मनुष्य अपना मन जितना सुंदर सुंदर स्वादिष्ट चीजों में लगाएगा, उतना ही उसके अंदर असंतोष बढ़ता जाएगा, उतने ही भोगों में उसकी आसक्ति होती चली जाएगी। हमारी इन इंद्रियों की हम जैसी आदत डाल लेते हैं, ये वैसी ही हो जाती है। अगर हमारी जिभ्या को स्वादिष्ट चीजें खाने की आदत पड़ जाए, तो फिर इसकी आदत खराब होती चली जाती है। इसलिए सेठ जी, आप अपने भोजन को ले जाइए। रही बात कल की, तो हम लोग कल की चिंता नहीं करते। हमने अपना हर एक आने वाला पल परमात्मा पर छोड़ दिया है। जिसने आज दिया है, वो कल भी देगा। सेठ बोला, पुत्री, यदि कल को किसी ने भोजन नहीं दिया तो आप क्या करेंगी? तब लड़की ने कहा, सेठ जी, मेरी अम्मा ने कहा है कि हमें कल के भोजन की कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। जिसने पेट बनाया है, उसने उसके खाने का इंतजाम भी किया है। जिसने भूख बनाई है, उसने भोजन भी बनाया है। जिसने प्यास बनाई है, उसने पानी भी बनाया है। कल की चिंता करके हम अपना आज क्यों खराब करें? कल जो होगा सो देखा जाएगा। कम से कम हम अपना आज तो अच्छी तरह से जी ही सकते हैं। अक्सर लोग कल की चिंता में अपने आज के सुखों को भी नष्ट कर देते हैं। जब मनुष्य संसार में आया था, तो क्या वो पहले से यहां इंतजाम करके रख गया था कि मैं धरती पर जाऊंगा और जाते ही मुझे सारी चीजें खाने को मिल जाएंगी? नहीं, फिर भी उसके भोजन पानी की व्यवस्था हो जाती है। अब सोचो, जब तुम दुनिया में आए थे, उस समय तो तुम कोई काम भी नहीं करने की स्थिति में थे, तब भी आपके भोजन की व्यवस्था किसी ने की। अब तो हम हर एक काम कर सकते हैं, फिर हमें चिंता क्यों करनी? जिसने दुनिया में भेजा है, उसने हमारे लिए हर चीज की व्यवस्था करके रखी है। हमें बस थोड़ी मेहनत के साथ अपना काम करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। जब कर्म करेंगे तो उसका फल भी हमें मिल ही जाएगा। अक्सर लोग अपने भविष्य की और बीते हुए कल की बातें सोचकर दुखी होते रहते हैं। इसलिए सेठ जी, आप अपनी थाली को वापस ले जाइए। आज हमें आपके भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें आज दाल भात मिल गया है, हमारे लिए वही काफी है। जिसने हमें आज भेजा है, वही हमारे भोजन की व्यवस्था कल भी करेगा। जिसने हमें पेट दिया है, वो भोजन भी देगा। इसलिए हमें परम पिता परमात्मा पर पूरा भरोसा है। मित्रों, सेठ जी ने जब उस बच्ची के मुंह से इन सब बातों को सुना, तो सेठ के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। हाथ से वो भोजन की थाली छूट गई। उसके दिमाग में बार बार उस लड़की की बातें गूंजने लगी। सेठ ने फौरन बच्ची के पैर पकड़ लिए और सेठ सोचने लगा कि मैं जिस बच्ची को नादान समझ रहा था, वो तो मुझसे भी ज्यादा ज्ञानी है, और मैं कितना मूर्ख हूं। इस लड़की से आयु में बड़ा होने के बाद भी कल के बारे में सोचकर दुखी हो रहा हूं। मेरे पास तो दो पीढ़ियों को खाने को धन है, पर इस लड़की के पास तो आज को खाने के बाद कल के लिए भी नहीं है। फिर भी मुझसे ज्यादा सुखी है और मैं अपनी तीसरी पीढ़ी के खाने की चिंता में उलझा हुआ हूं। मैं सोचता हूं कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का और मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा, उनका पालन पोषण कैसे होगा। मुझसे अधिक तो ये छोटी सी बच्ची जानती है मैं कितना मूर्ख हूं, कितना ज्ञानी हूं। सेठ बोला, बेटी, आज तूने मेरी सारी चिंताओं का समाधान कर दिया। मैं तीन पीढ़ी आगे की सोचकर अपना यह जीवन दुखों में धकेल रहा था। आज तूने सिखा दिया कि जो हमें आज देगा, वो हमें कल भी देगा। व्यर्थ की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। लड़की बोली, सेठ जी, मनुष्य इन तीन परिस्थितियों में बहुत दुखी होता है। नंबर एक, अपने बीते हुए कल की बातों को सोचकर। कई बार मनुष्य अपने बीते हुए कल में ही जीता रहता है। बीती हुई घटनाओं को सोच सोचकर क्रोधित होता है, कभी दुखी होता है, कभी रोने लगता है और अपना आज खराब करता रहता है। आगे वो कभी कुछ कर ही नहीं पाता। हमें चाहिए कि हम बीती हुई बातों से सबक लेकर आगे बढ़ें और पिछली बातों को अपने मन और मस्तिष्क से निकाल दें। नंबर दो, अपने भविष्य के बारे में सोचकर मनुष्य अपने वर्तमान में ही दुखी हो जाता है। हाँ, यह सच है कि भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और उसी के अनुसार
अपनी कार्य योजना को बनाकर चलना चाहिए, पर भविष्य के बारे में इतना ना सोचें कि आपका आज खराब हो जाए, क्योंकि दोस्तों यदि आपका आज सुंदर है तो आने वाला कल भी सुंदर होगा। यदि आप आज ही चिंताओं में घिरे हैं तो आने वाले समय में आप महाभयानक दुखों में गड़े होंगे। नंबर 3, जब हम प्राप्त को ही पर्याप्त नहीं बनाते हैं तो फिर हम दुखों में घिर जाते हैं। हमारी अधिक इच्छाएं हमारे अंदर असंतोष पैदा करती हैं और असंतोष महाभयानक दुख को जन्म देता है। इसलिए अपनी इच्छाओं को सीमित रखिए और जो आपके पास है उसी में सुख तलाशिए। यही जीवन में सुखी रहने का मूल मंत्र है। मित्रों, इस प्रकार वो सेठ उस लड़की के चरण छूकर अपने घर लौट जाता है। उस दिन के बाद सेठ एकदम स्वस्थ हो जाता है, चिंताओं से मुक्त रहने लगता है। और याद रखना, चिंताओं से मुक्त रहने वाला व्यक्ति पहले तो कभी बीमार पड़ेगा नहीं, और बीमार पड़ भी जाता है तो अतिशीघ्र ठीक भी हो जाता है। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं यह कहानी जरूर आपको बहुत अच्छा ज्ञान देकर गई होगी। तो चलिए अपनी राय कमेंट में भेजिए। मिलते हैं आपसे एक अगली चर्चा के साथ अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।